हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम आशीष अग्रवाल फ्रॉम SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर। और दोस्तों, आज अपन बात करेंगे स्लीप के बारे में। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। इस आपको बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में भी, बहुत नई नई चीज़ें मतलब समझ में आएगी क्या होता है कैसे होता है, ठीक है गाइस। तो बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं स्लीप। और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, REM नॉन REM स्लीप बहुत बार पूछा जाता है, बहुत 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 बार डिसऑर्डर्स ऑफ स्लीप पूछा जाता है, ठीक है। तो ये उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, अब अपन चलते हैं टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे स्लीप की क्या होता है, ठीक है। अगर एक नॉर्मल भाषा में बात करें कि स्लीप की डेफिनेशन क्या होती है, तो स्लीप क्या है, एक अनकॉन्शियसनेस है। अनकॉन्शियसनेस तो है, ठीक है, वो तो तुम जानते ही हो, लेकिन तो ऐसे नहीं कह सकते कोमा भी स्लीप है, क्योंकि उसमें भी अनकॉन्शियसनेस होती है। अनकॉन्शियसनेस बट पर्सन कैन बी अराउज्ड बाय सेंसरी स्टिमुलाई, ठीक है। मतलब इंसान जग सकता है बाय सेंसरी स्टिमुलाई, ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने मुझे अपनी राइटिंग सुधारने के लिए बोला था गाइस, तो इस वीडियो में मैं एक्चुअली जो भी लिखूंगा उसको बोल दूंगा, मतलब रिपीट कर दूंगा, जो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगला, एक्चुअली दो टाइप की स्लीप होती है, ठीक है। कौन कौन सी आपको मालूम होगा, मतलब क्वेश्चन से मालूम पड़ गया होगा, वो भी ऊपर हेडिंग लिखी थी। कौन कौन सी? टू टाइप्स ऑफ स्लीप, REM स्लीप एंड NREM स्लीप, नॉन REM स्लीप। अब इसका मतलब क्या होता है, REM स्लीप का मतलब क्या होता है और नॉन REM स्लीप का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो REM मतलब दो तरह की स्लीप होती है, ठीक है, REM स्लीप और एक होती है नॉन REM स्लीप। REM स्लीप मतलब रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, ठीक है, और ये नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। इस स्लीप का दूसरा नाम है स्लो वेव स्लीप, ठीक है। क्यों है वो अपन देखेंगे। इसका नाम है पैराडॉक्सिकल स्लीप, ये भी क्यों है ये भी अपन देखेंगे। और एक और इसका नाम है क्या, डी सिंक्रोनाइज्ड। अच्छा हाँ, एक और गाइज, अगर आपने ईजी वाली मेरी वीडियो नहीं देखी है तो इसको थोड़ा प्रॉब्लम आएगा समझने में। तो गाइज, अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज पहले ईजी वाली वीडियो देख के आ जाइए, कि देख के आ जाइए, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी, ठीक है, मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है, तो उससे कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। अच्छी बात है, 90% लोगों को करना चाहिए, बाकी 10% केस ऐसा हो सकता है कि आप एग्जाम के 3 दिन पहले मेरा चैनल देख रहे हो तो आप देखिए, कोई ऑप्शन नहीं है। हालांकि वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर आते हैं, इसलिए वो देख लेनी चाहिए, मेरी बात मानो तो। बाकी तो जो करता है वो कराइए आपने, तो जैसा करना है वैसे करिए, पर मेरा कहना तो यह है कि ईजी वाली वीडियो देख के आगे बढ़ना चाहिए। सो गाइस, अब देखते हैं इसके अंदर अपन क्या क्या देखने वाले, ठीक है। तो होता क्या है, देखो चलो पहले मैं डायग्राम से पहले समझाता हूँ, उसके अंदर ही आपको पॉइंट समझाऊंगा, ठीक है, डायग्राम से ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। तो पहले एक बार मैं पॉज करके कुछ थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, तो गाइस शुरू करते हैं, ठीक है। अब ठीक है, तो मैं मान लो आपको एक नॉर्मल इंसान की 8 घंटे की स्लीप बताता हूँ, ठीक है, कि उसकी स्लीप कैसी होती है इस तरीके से, ठीक है, दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये जो है ये तो है अवेक कंडीशन, ठीक है, ऊपर वाली, ठीक है, ये क्वाइट वेकफुल, मतलब थोड़ा हल्का सा नींद आने लगा है उसको, ठीक है। और अगली आती है कंडीशन जब इंसान बहुत गहरी नींद है, ये REM स्लीप, ठीक है, स्टेज 1 की स्लीप, स्टेज 2 की स्लीप, स्टेज 3 की स्लीप और स्टेज 4 की स्लीप, ठीक है। तो अभी अपन देखेंगे कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखो होता क्या है, अवेक कंडीशन है, ठीक है। अब क्या हो, जैसे इंसान सोता है ना तो सीधा स्टेज 1 में पहले जाता है, ठीक है, ठीक है, और उसके बाद थोड़ी देर स्टेज 1 के बाद स्टेज 2, स्टेज 2 के बाद स्टेज 3, ठीक है, स्टेज 3 के बाद स्टेज 4 आता है, ठीक है। फिर क्या होता है, वापस ये मतलब नींद चलती जा रही है, टाइम चल रहा है, ठीक है ना, टाइम एक्सिस है ये टाइम, ठीक है। अब क्या होता है, स्टेज 3 के बाद फिर वापस से स्टेज 2, ठीक है, स्टेज 2 के बाद स्टेज 1, ठीक है, स्टेज 1 के बाद REM स्लीप, आया समझ में। अब REM स्लीप में जाता है, REM बहुत गहरी नींद होती है, ठीक है, इसलिए सबसे पहले स्टेज 1 आता है, स्टेज 4 ज्यादा गहरी, फिर REM गहरी, ठीक है ना, स्टेज 1 कम गहरी, और गहरी और गहरी और गहरी, सबसे ज्यादा गहरी REM स्लीप, ठीक है, नींद के हिसाब से बहुत ज्यादा डेप्थ होती है नींद की, मतलब इंसान बहुत ज्यादा घुमा हुआ था, बहुत ज्यादा सो रहा होता है, ठीक है ना, जग नहीं जाता, आसानी से जग नहीं सकता स्टिमुलस से, ठीक है। अब REM स्लीप आती है, उसके बाद फिर से
इंसान स्टेज वन में बैठता है, स्टेज टू में जाता है, ठीक है। अब जैसे जैसे अपन आगे टाइम बढ़ता जाता है सोने का, मतलब अपन जैसे 4 घंटे सो लिए, तो कहते हैं नींद कम गहरी होती जाती है, स्टेज फोर तक तो जाती ही नहीं है, ठीक है। फिर आगे जाता है, फिर ऐसे और ऊपर जाता है, फिर ऊपर जाके, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है ना, अपनी आरएम स्लीप गहरी होती जाती है। देखो मैंने यहाँ ड्यूरेशन कम बनाया, यहाँ ज़्यादा बनाया, ठीक है। तो आरएम स्लीप गहरी होती जाती है, फिर चलता है, फिर चलता है, और इस बार और पहले से थोड़ा सा कम, मतलब समझ रहे हो ना, स्टेज समझ लो 3 तक तो जाता ही है, पर थोड़ा सा और कम, ठीक है ना, इस तरीके से। और फिर ऊपर जाता है, ठीक है, फिर जाता है, आ रहा है ना समझ में, ऐसे करके फिर पूरा वेकफुल वाले आरएम स्लीप पर और रुकता, ठीक है ना, ये और चौड़ा आएगा, फिर ये ऐसे आएगा, ठीक है, ये आ रहा है समझ में, ये और चौड़ा बना, फिर ऐसे जाके, फिर इस तरीके से साइकिल चलती है, ठीक है ना, ये ऐसे में जोड़ रह रहा हूँ, आया समझ में। सो गाइस अभी अपन देखते हैं हो क्या रहा है, ठीक है ना, वीडियो में अगर आपको लग रहा हो कि ओ बाप रे क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया, तो मैं वापस समझाता हूँ, वापस मतलब आप ढंग से समझाऊंगा, ठीक है। अब देखो होता क्या है, क्या होता है, एक सिंगल स्लीप है, मान लो ये 8 घंटे की एक स्लीप साइकिल बनी, ठीक है ना। तो अब जनरली होता क्या है, ठीक है, एक 8 घंटे की स्लीप साइकिल में स्लो वेव आती रहती है, ये सब क्या है, ये जो भी मतलब स्लो वेव के मतलब स्टेजेस है, और ये रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, आरएम स्लीप। तो एक अल्टरनेट साइकिल आती रहती है, कभी स्लो वेव आएगी फिर आरएम आएगी, फिर स्लो वेव आएगी फिर आरएम आएगी, तो इस तरह की नींद चलती है एक नॉर्मल इंसान में, ठीक है। और जो स्लीप की डेप्थ है वो धीरे 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 कम होती जाती है, ठीक है ना। तो धीरे धीरे इंसान को नींद गहरी कम होती जाती है, कम गहरी नींद में सोता जाता है, जैसे लंबा सोता जा रहा है, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ आरएम स्लीप पहले कम होता है, फिर बढ़ता है, फिर और बढ़ता है, इस तरीके से होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ड्यूरेशन ऑफ आरएम स्लीप बहुत ज्यादा बढ़ता रहता है, आया समझ में, ये बात है। अब अपन देखते हैं ईजी, ठीक है ना, मैं आपको बता दूं ईजी पढ़ना है, अब वो क्यों पढ़ना है वो देखते हैं, ठीक है ना। देखो सबसे पहले अब एक साइकिल में अगर इंसान की अपन जब ईजी लगाते हैं उसके ऊपर, ठीक है ना, ईजी उसके मतलब देखते हैं ईजी, ठीक है। तो अब एक साइकिल में अपन को, अब एक साइकिल में अपन को देखने को मिलती है बीटा वेव्स, ठीक है, बीटा वेव्स, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था ईजी में, ठीक है ना, मैं यहाँ बार बार नहीं बताऊंगा। क्वाइट वेव फुल साइकिल में अपन को कौन सी वेव्स देखने को मिलेगी, अल्फा, ठीक है, आया समझ में, अल्फा। अब जैसे जैसे अपन नींद गहरी करती जा रहे, ठीक है, तो वापस अब ये आरएम स्लीप पे जो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी बीटा वेव्स देखने को मिलती है, और उसके कारण वारण सब अभी मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या वेव्स देखने को मिलती है। स्टेज वन जो है इसके अंदर अपन को मिलती है स्पिंडल शेप, मतलब नॉर्मल चल रही है, फिर अचानक से ऐसे ऐसे साइकिल आ जाएगी अल्फा वेव्स की, फिर नॉर्मल चलती है, इस तरह की वेव्स देखने को मिलती है। स्टेज टू और स्टेज थ्री में अपन को देखने को मिलती है टीटा वेव्स, ठीक है, और स्टेज फोर में अपन को मिलती है डेल्टा वेव्स, ठीक है, आया समझ में, बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है। ईईजी पढ़ा होगा तो आ जाएगा, बाकी नहीं भी पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, ये चीज को छोड़ दो, बाकी सब तो आपको वैसे ही समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। अब अपन आगे देखते हैं कि हर एक की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ठीक है ना, मतलब आरईएम और नॉन आरईएम स्लीप कर क्या रहा है, ठीक है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इन दोनों की। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आरईएम स्लीप की, ठीक है, आरईएम स्लीप। अब आरईएम स्लीप का एक और नाम क्या है, पैराडॉक्सिकल स्लीप। पैराडॉक्सिकल मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी स्लीप, मतलब कंफ्यूज कर रही है क्या किस बात से, अभी मैं आपको बताता हूं। इसका दूसरा नाम है डिसिंक्रोनाइज्ड स्लीप। अब इसको आरईएम स्लीप, आरईएम मतलब रैपिड आई मूवमेंट, ठीक है, और ये जो स्लीप है ना ये हर 90 मिनट में, 1.5 घंटे में, आधा घंटे के लिए आती है, 5 से आधा घंटे तक के बीच में रहती है, ठीक है। पैराडॉक्सिकल स्लीप क्यों, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, ईजी पढ़ा हो तो बीटा वेव्स जो होती है वो कब काम करती है, जब इंसान हाईली एक्टिव होता है, हाईली दिमाग का यूज कर रहा होता है। लेकिन इंसान आरईएम में कह रहे अपन एक ही टाइम पे कि बहुत गहरी नींद में, और सेंसरी स्टिमुलाई से उठाना बहुत मुश्किल है, इसलिए इसको कहते हैं पैराडॉक्सिकल, मतलब क्लियर नहीं है। वैसे तो दिमाग सो रहा है, स्टिमुलाई से नहीं उठा पा रहा, लेकिन एक देखा जाए तो ब्रेन बहुत एक्टिव है, ठीक है ना। और कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि वो एक्टिविटी इसलिए आ रही है क्योंकि वो इंसान ड्रीम्स में है, और ये जो रैपिड आई मूवमेंट है ये भी इसी का कारण है, क्योंकि इंसान ड्रीम्स में, जो ड्रीम्स है वो जनरली आरईएम स्लीप के टाइम पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। और डिसिंक्रोनस स्लीप क्यों कहते हैं, कि जो वेव्स है बहुत ज्यादा इरेगुलर है, और बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की है, ठीक है, तो इसलिए इसको कहते हैं डिसिंक्रोनस स्लीप, क्योंकि सारे के सारे न्यूरॉन्स जो है वो सिंक्रोनी में नहीं फायर कर रहे, डिसिंक्रोनाइजली फायर कर रहे, ठीक है। अब इसकी फटाफट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते जाते हैं। पहली, ये एक एक्टिव फॉर्म ऑफ स्लीप है, ठीक है,
एक्टिव फॉर्म। एक्टिव क्या मतलब, इसमें इंसान एक तरीके से तो जगा हुआ है पर एक तरीके से सो रहा है, ठीक है। और इसके अंदर एक्टिव बॉडी मसल मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है, एक्टिव बॉडी मसल मूवमेंट्स, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर क्या होता है, मतलब बहुत मुश्किल होता है सेंसरी स्टिमुलाई से उठाना, मोर डिफिकल्ट टू अराउज बाय सेंसरी स्टिमुलाई, ठीक है। तीसरा, जो इंसान है ना वो जनरली अचानक से, जैसे नहीं अपन देखते सुबह उठ गया अचानक से, तो वो जनरली जो उसकी नींद टूटती है वो आरएम स्लीप में टूटती है, क्यों, क्योंकि अचानक से या तो ड्रीम्स देख रहा होता है, ठीक है, या तो क्या होता है, अभी आपको बताया भी, क्योंकि आरईएम स्लीप की ड्यूरेशन भी बढ़ती जा रही है और गहराई कम होती जा रही है, तो ज्यादा से ज्यादा चीजें आरईएम की तरफ ही जा रही है अब नींद, तो वो एक्चुअल में अचानक से जग जाता है ना, तो अवेकन स्पॉन्टेनियसली इन मॉर्निंग, ठीक है, तो वो आरईएम स्लीप के अंदर ही होता है। चौथा पॉइंट कि ये जो है ना, ये इनहिबिट करता है कौन सी, स्पाइनल मसल कंट्रोल एरिया को, जो स्पाइनल कंट्रोल एरिया, जो कंट्रोल एरिया स्पाइनल कॉर्ड में जो कंट्रोल कर रहा है मसल्स को, उसको इनहिबिट करता है, इसलिए जो मसल की टोन होती है ना, मसल टोन वो डिप्रेस्ड रहती है, ठीक है। अगला, जो इसके अंदर हार्ट रेट है, ठीक है, और रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है ना, वो इररेगुलर है। अब इररेगुलर क्यों है, क्योंकि उसमें सपने आ रहे, तो मतलब सपनों में जनरली कॉन्शियस लगता है, सपने में इंसान को ऐसा लगता है कि सच में मेरे साथ हो रहा है, तो सब कुछ फील होता है, ठीक है। अगला पॉइंट, इररेगुलर मसल मूवमेंट्स है, ठीक है, और इसके अंदर रैपिड आई मूवमेंट भी है, तो रैपिड मूवमेंट ऑफ आईज, ठीक है। अगला क्या है, इसके अंदर मैंने आपको बताया था ब्रेन बहुत ज्यादा हाईली एक्टिव है, तभी उसकी ऐसी वेव्स आ रही है। इवन अगर फैक्ट में बात करूं तो 20% जो ब्रेन का मेटाबॉलिज्म है वो इस आरईएम स्लीप में बढ़ा रहता है, ठीक है, 20% इंक्रीज इन मेटाबॉलिज्म ऑफ ब्रेन, ठीक है। एट क्या, कि ये जो स्लीप है ये एसोसिएटेड है ड्रीमिंग के साथ, एसोसिएटेड विथ ड्रीमिंग, आया समझ में। अगला देखते हैं, ये तो ये सब था आरईएम स्लीप के बारे में, अब देखते हैं स्लो वेव स्लीप या नॉन आरईएम स्लीप, ठीक है। नॉन आरईएम मतलब आरईएम नहीं है, इसलिए तो इसका नाम रख दिया नॉन आरईएम, क्योंकि वो आरईएम थी तो ये नॉन आरईएम रखा। स्लो वेव क्योंकि इसकी वेव्स ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की नहीं है, तो स्लो वेव स्लीप कहते हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा रेस्टफुल होती है, ठीक है ना, अरे एक्सीडिंगली रेस्टफुल, बहुत ज्यादा अच्छी नींद रहती है, ठीक है ना। और अगला क्या है, इसके अंदर क्या होता है, पेरिफेरल वेस्कुलर टोन और सारे वेजिटेटिव फंक्शन डिक्रीज होता था, उसके अंदर भी मसल टोन डिक्रीज हो रही थी, ठीक है ना, इनहिबिटी हो रही थी, पर इसके अंदर डिक्रीज बढ़ा रहा है, ठीक है। और इसके अंदर वेस्कुलर टोन की बात कर रहा है, वहां मसल की बात करता है, वेस्कुलर टोन एंड वेजिटेटिव फंक्शन ऑफ बॉडी, ठीक है। तो ये होता है। अगला, जो बीपी है, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये 10-30% डिक्रीज हो जाता है वहां पे, हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट इररेगुलर थी, क्योंकि वो इंसान सपने में था, और इसको ड्रीमलेस स्लीप कहते हैं। हालांकि इसमें भी कभी कभी स्लीप आ जाती है, ड्रीम्स आ जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन इसको मेनली ड्रीमलेस स्लीप ही कहते हैं, कि इसमें ज्यादातर सपने नहीं आते, ठीक है। सो और एक पॉइंट नोट करना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या कि एक्चुअल में जो ड्रीम्स का डिफरेंस है, मतलब स्लो वेव में भी आ रहा है, नॉन आरईएम में भी आ रहा है, तो इसके बीच में एक डिफरेंस है। ये बताने से पहले मैं अपने चैनल का इंट्रोडक्शन तो दे दूं, मैंने पूरी वीडियो में इंट्रोडक्शन ही नहीं दिया। हाँ, सो गाइस अगर आप लोग नए हो चैनल पे, तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, बहुत ही मेहनत से मैं वीडियोज बनाता हूँ अपनी फिजियोलॉजी से रिलेटेड, क्योंकि गाइस मैंने देखा है कि मतलब एमबीबीएस में अपन जनरली उस टाइम तो पढ़ते नहीं फिजियोलॉजी, और ये चैप्टर्स जो है नीट में भी नहीं पढ़ाए जाते, और जनरली फिजियोलॉजी के अच्छे चैनल्स नहीं है यूट्यूब पे, ठीक है, एनाटॉमी के तो जनरली मिल जाएंगे पर फिजियोलॉजी के नहीं है। तो मैं कम से कम टाइम में आपको बेस्ट से बेस्ट कॉन्सेप्ट्स देके यूनिवर्सिटी की भी प्रिपरेशन करा रहा हूँ, नोट्स भी तैयार करवा रहा हूँ, और बहुत कुछ कर रहा हूँ। सो गाइज सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, ठीक है गाइज, वीडियो आगे बढ़ाइएगा मत, ठीक है ना, गलत बात है ये, आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। सो गाइज एक और मैंने कंडीशन रख रखी है, वो कंडीशन वीडियो खत्म होने के बाद बताऊंगा, ये आप लोगों के लिए ऑफर है, ठीक है, वीडियो को देखते रहिएगा। सो नोट क्या है
कि जो ड्रीम्स का जो डिफरेंस है किसके बीच में, स्लो वेव स्लीप में और आरएम स्लीप में, क्या है कि जो स्लो वेव स्लीप में जो मतलब क्या सॉरी हाँ जो आरएम स्लीप में जो ड्रीम्स है वो बॉडी मस्कुलर एक्टिविटी के साथ रिलेटेड होते हैं। मतलब ड्रीम्स में भी और बॉडी के मसल एक्टिविटी भी काम करती है। आपने देखा होगा ना कार्टूनों में इंसान सपने में भी ऐसे हाथ पर हिलाता रहता है, वो जनरली आरएम स्लीप के ड्रीम्स है। और जबकि स्लो वेव के स्लीप के ड्रीम्स तो होते ही नहीं, और होते तो ज्यादातर मस्कुलर बॉडी मूवमेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते। दूसरा पॉइंट, एक मैंने पॉइंट बताया मस्कुलर बॉडी मूवमेंट्स इन आरईएम ड्रीम्स, ठीक है। अगला पॉइंट क्या, जो ड्रीम्स है स्लो वेव स्लीप में जो आ रहे ठीक है ना, वो याद ही नहीं रहते। क्यों? क्योंकि वो मेमोरी के अंदर नहीं आते। लेकिन जो आरईएम स्लीप के ड्रीम्स होते हैं वो हमेशा इंसान को, मतलब जैसे जगता है वो इंसान, तो उसको याद आ जाते हैं कि हाँ मैंने ये सपना देखा था, ठीक है। तो जो स्लो वेव स्लीप है और उसके जो ड्रीम्स है ठीक है ना, आर नॉट रिमेम्बर्ड, क्योंकि वो मेमोरी में जाते ही नहीं है। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, और जो मैं आपको बताया डिसऑर्डर्स ऑफ स्लीप, तो वो मैं आपको अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा, ठीक है गाइस। और इस वीडियो में ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये जरूर तैयार कर लीजिएगा। और गाइस मैंने आपको ऑफर की बात करी थी, तो ये था कि एक्चुअली मैंने अच्छे से नोट्स बना रखे इसके गाइस। मैं जितना लिखाता हूँ इतना मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं सब कुछ कॉपी टू कॉपी कर लूँ नोट्स में से। सो गाइस मैंने इसके नोट्स बना रखे, अगर मैंने कंडीशन रख रखी 1000 सब्सक्राइबर जिस दिन हो जाएंगे तो मैं आपको नोट्स इजिली और मेहनत करके अच्छे से बना के आपको दे दूंगा। सो गाइस ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराए, उनका भी भला करें, क्योंकि एक्चुअल में है तो अपन सब मेडिकल्स है ना, तो मेडिकल यूनिटी भी बनी रहती है। सो गाइस आग लगा दो, मतलब वीडियो को फैला दो, और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियोस में क्या अच्छा लगा, क्या खराब लगा, क्या इंप्रूवमेंट, क्या सजेशन, जो भी है सब बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा गाइस, इससे मेरा बहुत ज्यादा मतलब मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आगे वीडियोस बनाता रहूंगा ऐसी आपके लिए। सो तब तक के लिए बाय बाय।